रवि की ग्रेटर नोएडा में नई जॉब लगी थी। उसके कॉलेज के दो दोस्त भी उसी शहर में काम करते थे। कंपनी की तरफ से उसको एक घर तोहफे में दिया गया था। वो घर शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। रवि ने घर में थोड़ा सेटअप किया और फिर डिनर में ऑमलेट बनाकर खाया। फिर उसको प्यास लगी तो उसने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। अरे एक बोतल भी नहीं है इसमें तो, कहकर उसने वॉश बेसिन का नल खोला तो उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। शिट यार, इतनी प्यास लग रही है और यहाँ पानी का कोई भी इंतजाम नहीं है। कहीं आस पास कोई घर भी नहीं है, कहाँ से इंतजाम करूं? ऐसा कहकर उसने खिड़की खोल कर देखा। घर के पीछे की तरफ खुला करती थी। वहां उसको एक कुआं नजर आया। शुक्र है कुआं तो नजर आ रहा है। उसने एक छोटी बाल्टी ली और घर से निकलकर कुएं के पास गया। उसने रस्सी डालकर बाल्टी पानी में डाल दी। जब वापस खींचने लगा तो बाल्टी कहीं अटक गई। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे वहां एक शख्स नजर आया। ये कैसे हो सकता है, क्या कुएं में कोई है? जब अपनी कोई एक ख्वाहिश आजमा के देख सकते हो। ये क्या हो रहा है, भला ऐसे कोई कुएं में कैसे हो सकता है जो पानी देने के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करे? ठीक है, मुझे पानी के साथ साथ सोने की अंगूठी भी भेज दो। ऐसा कहकर उसने रस्सी खींची तो वो आराम से ऊपर आने लगी। जब बाल्टी उसके हाथ में आई तो उसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये क्या है? उसने हाथ डालकर उसे निकाल कर देखा तो एक सोने की अंगूठी थी। ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अब तक रवि समझ रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अपने हाथ में वो चमकती अंगूठी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। खैर उसने पानी पिया और फिर वापस अपने घर को पहुंचा। सुबह उठकर जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एक बार उसने खिड़की खोलकर कुएं को देखना चाहा, लेकिन वहां तो कोई कुआं नहीं था। ये सब हो क्या रहा है, क्या वहां कोई कुआं था ही नहीं? कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? तभी उसका ध्यान हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गया तो उसे यकीन हुआ कि उसने कल जो भी देखा वो एक सपना नहीं था। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ऑफिस का पहला दिन है, जल्दी से निकलता हूँ। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और जब वो वापस आया तो कुआं अपनी जगह पर मौजूद था। ये कुआं तो तिलस्मी लगता है, शायद इसीलिए दिन में गायब हो जाता है। अब है तो अपने लिए कुछ पैसे मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने बाल्टी को कुएं में फेंका और बोला, मुझे कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसा कहकर उसने बाल्टी को वापस खींचा तो उसके अंदर उसको प्लास्टिक बैग में लिपटा एक पार्सल नजर आया। उसमें नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थी। पैसे लेकर जब वो कुएं से घर जा रहा था तो उसके मोबाइल पर निशा का कॉल आया। रवि कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम कई दिनों से नोएडा आ चुके हो और अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने की जरा भी कोशिश नहीं की? नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, कंपनी में लग गया था ना तो बस। तो ठीक है, अब तो फ्री हो ना? हाँ कल मिलते हैं। ठीक है, कल ऑफिस के बाद मैं और पारुल दोनों तुमको कॉफी शॉप में मिलते हैं, ठीक है? हाँ जरूर। कितने सालों बाद निशा और पारुल से मिल रहा हूँ, कोई अच्छा सा तोहफा तो होना ही चाहिए। वो घर से निकलकर कुएं के पास पहुंचा, फिर उसने बाल्टी कुएं में डाली और जब वो खींचने लगा तो वो फिर से अटक गई। मुझे आज एक अच्छा सा सोने का नेकलेस और एक ब्रेसलेट चाहिए। ऐसा बोलकर उसने बाल्टी को ऊपर खींचा तो पानी के साथ साथ सोने का एक भारी भरकम नेकलेस और एक ब्रेसलेट भी नजर आया। अरे वाह, रवि बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर पहुंचा। अगले दिन ऑफिस के बाद वो निशा और पारुल से मिला। इतने दिनों के बाद कॉलेज की यादें ताजा करके मजा ही आ गया यार। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, है ना? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम दोनों के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने अपने बैग में से वो नेकलेस और ब्रेसलेट निकालकर उन दोनों को दे दिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार, अभी तो तुमको तुम्हारी पहली सैलरी भी नहीं मिली। अरे रख लो। कुछ देर और बातें करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर पहुंच गए। अब ये वक्त 11 बजे का था। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रवि का दिया हुआ वो नेकलेस पहना हुआ था और आईने में खुद को देख रही थी। तभी उसको उसके पीछे कुछ धुआं सा उठता हुआ नजर आया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो
वो धुआं एक साय में बदलने लगा और एक खौफनाक खातून में बदल गया। आ, आ, उस खातून ने निशा का गला पकड़ा और उसे पीछे की तरफ ऐसा धक्का दिया कि निशा का सर ड्रेसिंग टेबल के आईने को तोड़ता हुआ उसके पार हो गया। निशा की गर्दन कट गई और वो जमीन पर ढेर हो गई। सुबह जब पारुल निशा के घर पहुंची तो उसे उसकी मौत के बारे में पता चला। तभी उसने रवि को फोन करके उसकी मौत की खबर दी। मैं अभी वहां आ रहा हूं। रवि ने जैसे ही कॉल कट किया उसे महसूस हुआ कि उसके पैर में कोई भारी भरकम चीज पड़ी हुई है। उसने देखा तो उसके पैरों में एक बेड़ी पड़ी हुई थी, सोने की बेड़ी। अब रवि ने देर नहीं की, वो उसी वक्त पारुल से जाकर मिला और उसने उसको सब कुछ बता दिया। रवि, मुझे तो ये सब बेहद अजीब लग रहा है। उस कुएं के बारे में अच्छे से जाने बिना तुम्हें उससे ख्वाहिशें नहीं मांगनी चाहिए थी। आज रात जब तुम उस कुएं में जाओगे तो मैं छिपकर देखूंगी। तुम उससे पूछना कि इस बेड़ी का तुम्हारे पैरों में आने का क्या मतलब है। रात को रवि कुएं पर पहुंचा तो पारुल छुपकर सब कुछ देख रही थी। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मेरे पैरों में बेड़ी किस लिए बांधी है। इस कुएं से तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन जो भी तुम इस कुएं से मांगोगे उसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने वो चीजें किसी और को दी तो उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब है कि निशा की मौत भी इसी के वजह से हुई। हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने आज तक मुझे जो कुछ भी दिया तुम सब कुछ ले लो। तुम जितनी ख्वाहिशें मांग सकते थे मांग चुके, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर एक मोटी जंजीर कुएं से निकली और उसके पैरों में पड़ी बेड़ियों में बंध गई और धीरे धीरे उसको कुएं की तरफ खींच रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो कुछ भी लिया है अगर वो सब कुएं में डाल दो तो ही तुम बंधन से आजाद हो सकते हो, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। सुबह होने से पहले ये बेड़ियां तुमको कुएं के अंदर ले जाएंगी और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी कुएं के अंदर रहोगे। अब पारुल ने देरी नहीं की, वो रवि के घर में गई। उसने कबर्ड पर रखे हुए पैसों का पैकेट निकाला और जैसे ही मुड़ी तो पहले से ही वो खौफनाक खातून उसके सामने खड़ी थी। तभी पारुल ने अपने हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट उतार दिया। ऐसा कहते ही वो उससे अलग हो गई। फिर पारुल तेजी से वहां निकलकर कुएं की तरफ भागी। पास ही वो खातून उसको खा जाने की निगाहों से देख रही थी। उसने रवि की उंगली से अंगूठी उतार ली। नहीं! पारुल ने देर ना करते हुए पैसों का पैकेट, ब्रेसलेट और वो अंगूठी कुएं में फेंक दी। वो जोर से चिल्लाई, कुएं से पानी ऊपर उठा, एक भंवर से आई और उस खातून को अपने साथ कुएं में ले गई और सब कुछ ठीक हो गया। शुक्रिया पारुल, ऐसा कहकर रवि उसके गले लग जाता है। पटना शहर की एक दुकान में संगीता नाम की एक लड़की चाय बनाती और लोगों को पिलाती है। उसकी चाय बड़ी जायकेदार होती है। संगीता की चाय की दुकान बहुत चलती है। कुछ दिन बाद उसकी दुकान पर भीड़ लगी थी, मगर वो वहां पर नहीं थी। लोग वहां पर आते और वापस लौट जाते। कुछ दिनों बाद एक रात चाय की दुकान से कुछ आवाजें आने लगी। चाय वाली आ गई वापस। चाय चाय, गरम चाय पी लो, मसाला वाली चाय। अरे वाह, चाय वाली आ गई, चलो भाई साहब चाय पीते हैं। एक पत्रकार जिसका नाम बीके सिंह है माइक और कैमरा लेकर चाय की दुकान पर पहुंच गया। चाय वाली मोहतरमा, आपकी दुकान बंद क्यों थी और फिर आपने चालू भी की तो रात में क्यों? यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा मत चलाओ। हाँ मगर पहले तो ऐसा नहीं था ना। अरे हम जैसे पत्रकारों ने तो आपको फेमस किया है, अब क्या हुआ? अब फेमस नहीं होना है, यहाँ से चले जाओ।
बीके सिंह उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। उसे कुछ अटपटा सा लगा कि आखिर ये कैमरा चलाने के लिए मना क्यों कर रही है। इस बात के पीछे कोई तो राज है। उस राज को जानने के लिए उसने चाय वाले पर रात को 3 बजे तक नजर रखी तो उसने देखा कि सारे चाय पीने वाले चले गए, एक आखिरी चाय पीने वाला बचा है। तुमको टेस्टी चाय पीना है तो मेरे साथ जंगल में चलो। अरे जंगल में भी दुकान खोलनी है क्या? देखने चलोगे तुम जंगल वाली चाय की दुकान? चलो चलते हैं। दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं तो बीके सिंह कैमरा ऑन कर देता है, लेकिन ये क्या, कैमरे में तो सिर्फ एक आदमी ही दिख रहा है, चाय वाली तो उसमें दिख ही नहीं रही है। कुछ देर बाद जंगल के अंदर वो चाय वाली अचानक चुड़ैल बन जाती है जो बहुत ही डरावनी है। चाय वाली चुड़ैल उस आदमी को पकड़कर उसका खून पीने लगती है। यह देखने के बाद बीके सिंह वहां से भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। आखिरकार वो पकड़ा गया। अरे पत्रकार, तुम हो? तुमको बोला था ना कैमरा मना है, लेकिन तुम मरने आ गए। आज मेरा पेट भर चुका है, लेकिन कल तुझे मार कर तेरा खून पीऊंगी, आज बांध कर रखूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, हमारा तो काम ही है कि हम सबकी न्यूज दिखाते हैं। छोड़ दो प्लीज, मेहरबानी करके छोड़ दो। कल तक जिंदा रह लो, रात में तुम्हारा खून पीऊंगी। चुड़ैल हंसती हुई गायब हो जाती है। सुबह होती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, बराए मेहरबानी मुझे कोई बचाओ। एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने आता है उसकी आवाज सुन के उसकी तरफ आता है और उसे खोल देता है। वो किसी साधु बाबा की तलाश में निकलता है। एक साधु बाबा मिलते हैं, उन्हें उसने सारी बात बताई। ठीक है, आज रात हम लोग उस जगह जाएंगे जहां तुमको उस चुड़ैल ने बांध कर रखा था, क्योंकि चाय की दुकान पर भीड़ इकट्ठा होने से लोगों में डर फैलेगा, इसीलिए चाय की दुकान से उसका पीछा करते हुए जंगल में जाएंगे। इसके लिए हमें कच्चा नींबू, नारियल, लाल सिंदूर और गंगा जल की जरूरत है। कल तक तुम इन चीजों का इंतजाम कर लो, ठीक है? जी गुरुजी, मैं सारी चीजें शाम से पहले ही लेकर आता हूँ। धीरे धीरे शाम होती है, चाय की दुकान खुल गई है। चुड़ैल देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है। आज चाय पर डिस्काउंट है, एक चाय पर एक चाय फ्री। धीरे धीरे जब चाय खत्म हो गई तो सब लोग जाने लगे, तो चाय वाली एक आदमी को अपने साथ लेकर जंगल ले जाने लगी। जंगल में जाने के बाद चाय वाली चुड़ैल बन गई। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी, मैं डाइन हूँ। तभी अचानक साधु और बीके सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने चुड़ैल के ऊपर गंगा जल फेंका। चुड़ैल चिल्लाने लगी और साधु महाराज चुड़ैल की आजादी के लिए मंत्र पढ़ने लगे। बाबा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश अधूरी है, उसे बिना पूरा किए नहीं जाऊंगी। बताओ बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने कातिलों से बदला लूं। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं जहाँ पर चाय बनाती थी उस जगह पर कुछ गुंडे आए। चाय की दुकान पर कार से 3 लोग आते हैं, हाथ में बंदूक है। ओए, ए चाय वाली, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि यहाँ चाय मत बेच, तेरी समझ में नहीं आता क्या? अरे तेरी वजह से हमारी दुकान की खरीदारी कम हो गई है। आपकी दुकान के लिए मैं अपनी दुकान नहीं बंद करूंगी, आप कितना भी समझाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको उठा कर ले चलते हैं और मार कर फेंक देते हैं। हाँ तेरी बात सही है। उन्होंने चाय वाली को उठाया
और गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और रास्ते में गोली मारकर उसे फेंक दिया। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। हाँ पंडित जी, मैं उन तीनों की तलाश में हूँ, लेकिन अभी वो मुझे मिले नहीं हैं। तुम्हारी लाश कहाँ पर है? मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, क्योंकि ये पत्रकार तुम्हारे वाकये को टीवी पर न्यूज बनाकर दिखाएगा, जिससे पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल में डालेगी। तुम्हें आजादी मिलेगी बेटी। मेरी लाश जंगल में है, लेकिन बाबा ऐसा मत करना, मुझे रहने दो। मैं उनसे खुद बदला लेना चाहती हूँ। बदला नहीं, इंसाफ मिलेगा। जिसने तुम्हें मारा है उसको सजा भी मिलेगी। मैं खुद का इंसाफ देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ और तुम्हें इस बोतल में बंद कर देता हूँ। ये कहकर पंडित ने चुड़ैल की रूह को बोतल में बंद कर दिया। बीके सिंह और पंडित जी दोनों जंगल की तरफ गए और चुड़ैल की बताई हुई जगह पर चाय वाली की लाश मिली। बीके सिंह ने मीडिया और पुलिस वाले को बुलाया और चाय वाली की लाश को इज्जत के साथ जला दिया गया। कातिलों को पुलिस पकड़ कर ले गए। उन लोगों को 14 साल की सजा हुई। पंडित जी ने चुड़ैल की रूह को बाहर निकाला और आजाद कर दिया। अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। शुक्रिया। चुड़ैल ने पंडित जी को शुक्रिया कहा और गायब हो गई।